मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग नरक जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो, जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए, तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूँ मैं, बुद्धा को जानता हूँ, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूँ। वो आप कहते तो आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्ध स्कॉलर ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुद्धपरस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने उस शख्स से कहा कि आपने यकीनन बुद्धा की तालीमात का मुताला नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ बुद्धा की बुनियादी चीजें मुख्तलिफ किस्म के स्वामियों और पंडितों से सुनी होंगी, लेकिन आपने खुद बुद्धा की ना तो कोई किताब पढ़ी है और ना ही उसकी कोई ऐसी तसनीफ जिसके अंदर बुद्धा ने अपनी चीज़ों को खुद से एक्सप्लेन किया हो। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम कभी भी इल्म किताब से हासिल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी मौलवी से, किसी स्वामी से या किसी पंडित से चीज़ें सीख लें और हम चीज़ की असल एसेंस तक पहुँच नहीं पाते। बुद्धा ने कभी ये मन नहीं कहा था कि आप मेरा बुत बनाएं, बल्कि बुद्धा के बुत बनाने वाले वो लोग हैं जो दीगर मजाहिब से इन्फ्लुएंस हो गए थे। दीगर मजाहिब की वजह से उन्हें लगा कि शायद उन्हें भी अपना कोई खुदा बनाना चाहिए, उन्हें भी अपना कोई बुत बनाना चाहिए, इसलिए उन्होंने बुद्धा का मुजस्मा बना दिया, बुद्धा का बुत बना दिया। हालांकि बुद्धा खुदा नहीं है और बुद्धा ने कभी ये भी नहीं कहा कि मुझे खुदा कहो। बुद्धा की जिन बुनियादी तालीमात हैं जिन पर अमल करके आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर बुद्धा की टीचिंग को अगर आप पढ़ें तो बुद्धा ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर चार चीज़ें हैं जो हक हैं। अब उनमें से सबसे पहली चीज़ जो हक है वो है कि धरती पर बहुत ज़्यादा दुख है। बुद्धा की चार सच्चाइयों में से पहली सच्चाई तो ये हो गई कि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है। दूसरी सच्चाई जो बुद्धा बयान करते हैं वो ये है कि ख्वाहिश दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, कि दुनिया में हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा की ख्वाहिश रखता है। तीसरी हकीकत बुद्धा ये कहते हैं कि अगर आप ख्वाहिश को अपने दिल से निकाल दें तो ख्वाहिश के साथ गम भी दिल से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद चौथी जो और आखिरी जो उनकी बात है वो ये है कि अगर आप ख्वाहिश को ख़त्म करना चाहते हैं तो एट फोल्ड पर अमल करें। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मुझे इस चीज़ पर एतराज़ है कि बुद्धा की तीसरी और चौथी जो हकीकत, जो सच्चाई है, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर इख्तिलाफ़ है कि अगर इंसान ख्वाहिश को दिल से निकाल दे तो उसके बाद वो एट फोल्ड पर अमल ही क्यों करेगा, कि उसे अगर ख्वाहिश को अपने दिल से निकालना है, अभी चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं इसे मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस हवाले से मेरी तकरीर मौजूद है इंटरनेट पर, आप वो देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इस गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ। यकीनन आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त वीडियोस लगातार देखने के लिए रिलीजन 72 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।